किसान भाइयों, आज हम साथ जेआरके में अपने गुरमीत सिंह जी हैं, उनके खेत में आए हैं और ये देखा कि यहाँ पे जो है पिंक बॉलवर्म का अटैक यहाँ पे भी काफी है, जैसे कि सारे एरिया के अंदर है। दिखने में ये टिंडा जैसे लग रहा है, बात से बिल्कुल सही है। और जैसे ही हम इसको खोलते हैं तो इसके अंदर जो है पिंक बॉलवर्म दिखाई देती है। इसके अंदर ये इस तरह से ये दिखाई दे रही है, ये देखो ये भी है जैसे बाहर से सही है, और इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है ये इस तरह से, और जितने भी ये हैं इसके अंदर अपने को खोलने से दिखाई दे रहे हैं। हाँ, ये इस तरह से बाहर से, तो ये हर जगह ही समस्या है काफी खेतों के अंदर, और किसान इसमें घबराया हुआ है। और जिसमें क्या है कि मतलब वो उसमें ज्यादा जोर दे रहा है कि मैं इसको, अब मेरी आंखों के सामने जैसे सिंथेटिक ग्रुप पकड़ने की कोशिश कर रहा है, जिसमें जैसे साइपरमेथ्रिन है, अल्फा मेथ्रिन है, परफोनोफोस है, इस तरह की सप्लाई वो सोचता है मैं इससे कंट्रोल कर लूंगा, जबकि ये कंट्रोल उससे, क्योंकि अंदर है तो उसके ये कंट्रोल नहीं होगा। बहुत सारे लोग और भी महंगी स्प्रे कर रहे हैं, इसकी बजाय इसके साइकिल को अगर हम समझे तो जैसे जो लार्वा स्टेज है, लार्वा स्टेज के बाद में इसने प्यूपा में जाना है, प्यूपा के बाद में इसने अडल्ट में आना है तितली के रूप में, और उसने फिर मैटिंग करके अंडे देने हैं। तो वो जो अगर हम देखते हैं तो उस साइकिल को समझने की कोशिश करें, उस साइकिल को कैसे रोकें, वो जरूरी नहीं है इसके अंदर ही है जब उसी समय हमें मारना है, हमें जब इसके बाहर होगा तब हम इसको कंट्रोल कर लें। मान लीजिए वही बात होगी, किसी को गुस्सा आया और उस समय हम गुस्सा करें तो उससे कुछ प्राप्ति नहीं है। हम उस समय थोड़ा सा अपने आप को धैर्य से बनाए रखें, इंतजार करें इसका अगला रूप बदलने का। या पहले भी जब बात हुई थी कि अपने खेत में फेरोमोन ट्रैप लगाने की बात थी, या नीम वाली स्प्रे की बात थी जो उसके लाइफ साइकिल को ब्रेक करता है। अभी कुछ काफी सारे किसानों ने इस बार नीम का स्प्रे किया है और वो उन्होंने एक एक स्प्रे करके रुक गए शायद, और ऐसा नहीं है, और कई लोग कर भी रहे हैं, जिनके खेत में कर रहे हैं वहां हमने देखा दो दो स्प्रे के बाद में नीम वाला स्प्रे किया उसमें कम है। तो उसके अंदर मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप जो भी स्प्रे कर रहे हैं, एक तो नीम वाला स्प्रे जैसे निम्बिस्टीन है, आप उसमें 300 ppm का वो आप साथ में मिलाएं। दूसरा ऑयल बेस होता है वो 90% और 10-12 दिन तक पत्तियों के ऊपर रचके रहता है, काम करता है वो। और कीट को जैसे सबसे पहले तो जैसे वो उसका काम क्या है, अंडे को आने से रोकना, अंडा तो अंडे के अंदर वो अंडे को नष्ट भी कर देता है। उसके बाद में क्या है कि वो जैसे कोई भी अडल्ट अंडे देता है तो उसके वो मैटिंग ही नहीं कर पाता, नरमादा मिलने से भी रोकता है। उसके बाद अगर हम देखें तो वो जो है आगे, अगर उसने रस उसे कीट ने खा लिया या सुंडी ने खा लिया तो उसके अगले वाली जनरेशन उसकी ब्रेक हो गई। ये बहुत बड़ी बात है कि उसकी आंतों में, उसके पेट में उस तरह की, और उसकी जो प्रजनन शक्ति है वो कमजोर कर देना, उसके काइटन हार्मोन्स को बढ़ने से रोक देना, ये सारे काम वो करता है। और जब भी हम उसको यूज करते हैं तो उसके बाद उसके परिणाम अगली फसल, अगली स्प्रे में भी अच्छे आते हैं। तो हमें निम्बिशिन का स्प्रे करते ही रहना चाहिए लगातार। दूसरा, अब इसके साथ साथ आपको एक बचाव का तरीका और है जो पिछले सालों में कुछ किसानों ने यूज किया है। यहाँ गुरमीत जी से बात हो रही थी, अब इन्होंने पीछे किसी इनके फार्मर ने यूज किया है, तो वो उसके अंदर गुरमीत सिंह जी जो अपने बात हो रही थी पीछे, कुछ लोगों ने यूज किया है तो उसके बारे में सुना आपने भी, ठीक है? हाँ ठीक है। हाँ, तो वो जो जैसे बायोमैजिक है, बायो पावर है, तो वो अपने जो अगर आप यूज करते हैं बायोमैजिक और बायो पावर, तो उसके अंदर क्या है कि ये सुंडी के लिए बहुत कारगर साबित हुआ है। तो आप उसको जो खेत के अंदर अपने कोई भी स्प्रे करें तो उसके केमिकल के अंदर भी मिला सकते हैं, और आप उसको जो है ना अलग भी कर सकते हैं। मैं तो ये चाहूंगा कि आप ज्यादा केमिकल का स्प्रे ना करें, अकेला उसी का ही करें, और आप नीम वाला स्प्रे मिला सकते हैं या हल्की कोई स्प्रे मिला सकते हैं। आपको ज्यादा डर लग रहा है तो इसके अंदर जैसे जैसिड हरा तेला है तो इसके अंदर भी आप बायोकैच का प्रयोग साथ में कर सकते हैं, जो आपके जिसमें वल्टीसीलियम है वो, उसके परिणाम बहुत अच्छे हैं। तो मैं सभी से निवेदन करूंगा किसानों से कि अपने नरमे को पैसे कीटनाशकों के ज्यादा खर्च करके और नरमे को मारने की कोशिश ना करो कि जिससे हमारा नरमा जो है वो क्या नाम उसे वाइट फ्लाई आ जाए। अगर सिंथेटिक को यूज करेंगे या ज्यादा हार्ड स्प्रे करेंगे तो उससे हमारा नरमा ही मर जाए, ऐसा करने की बजाय आप कोशिश करें, आप बचने की कोशिश करें कि हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट जो पहले भी बताते हैं कि मैकेनिकल तरीका फेरोमोन ट्रैप वाला और दूसरा बायोलॉजिकल वाला, वो हमेशा साइंस और एग्रीकल्चर में यही पढ़ाया जाता है कि आप पहले बायोलॉजिकल को यूज करने के बाद केमिकल को यूज करो। तो आप अभी केमिकल यूज कर चुके हैं तो बायोलॉजिकल को, जैसे बायो पावर और बायोमैजिक को सुंडी के लिए यूज करो, जिससे आपको फायदा मिलेगा और आप इसके परिणाम से देख के अचंभित होंगे, बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे आपको। धन्यवाद।